तो कुछ दिनों से मैं इस समुद्र के बीच एक बड़े से टापू पे फंस गया था और मुझे यहाँ से बाहर निकलना था। तो मैं यहाँ वहाँ थोड़ा घूमा टापू पे, क्योंकि मेरे पास कोई भी टूल नहीं था, कुछ भी खाना वाना कुछ भी नहीं था। तो मुझे सब कुछ कलेक्ट करना था, जीरो से आगे जाना था मुझे। तो थोड़ा सा वुड कलेक्ट करके मैंने सॉर्ड और पिकैक्स, जो भी बेसिक टूल हमें लगने वाले थे वुड के, वो बना लिए। तो वो टूल्स बनाने के बाद मेरे वुड भी खत्म हो गया था, तो मैंने फिर से और ज्यादा वुड इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और फिर मैं आगे घूमता गया, टापू का थोड़ा अंदाजा लगाता गया। तो मुझे इस टापू पे कोई विलेजर नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। और सारे बेसिक टूल होने के बाद मैंने थोड़े से चेस्ट वेस्ट सब कुछ बना लिया, बेस बनाने के लिए लगता है, वो सब कुछ बना के खुले आसमान के नीचे ही रख दिया था। और मुझे बनाना था बेस, और मुझे थोड़ा सा सेफ बेस बनाना था, इसलिए मैंने पेड़ को चूज किया और पेड़ के ऊपर मैं घर बनाने वाला था। तो मैंने पेड़ को थोड़ा क्लीन करना शुरू कर दिया और उसके ऊपर लैडर भी लगाता गया। और इसी पेड़ को क्लीन करते करते मेरा एक दिन बीत गया और ये था मेरा दूसरा दिन। तो मैंने अंदर से थोड़ा ट्री को खोखला कर दिया, क्योंकि इसके अंदर हम एक रूम बनाने वाले थे। अब अंदर से सब कुछ तो क्लीन था, तो मैंने जो बाहर पे एक टेम्पररी बेस बनाया था उसे हटा के हमें पूरा ऊपर शिफ्ट करना था। और मुझे भूख भी बहुत जल्दी जल्दी लग रही थी, तो वहीं पे मुझे कुछ चिकन दिख गए और दो तीन चिकन मारने के बाद मुझे थोड़ा सा तो खाना मिल गया था। और यहाँ पे मेरा आधा अधूरा जैसा तैसा बेस थोड़ा सा बन के तो तैयार हो गया था। और मैंने यहाँ पे चेस्ट लगाने की सोची, बट ये बहुत ही छोटा रूम बन गया था, इसलिए मैंने एक साइड में थोड़े से लीव्स माइन किए और वहाँ पे थोड़ा सा एक, तो मैंने एक चेस्ट रूम भी बना दिया। क्राफ्टिंग टेबल और चेस्ट पूरे लगा दिए और हमें खाने की बहुत कमी हो रही थी। और जो मैंने कॉबलस्टोन लाए थे उससे मैं दो फर्नेस भी बना लिए। तो ऐसे देखते देखते ही दूसरा दिन भी बीत गया और मेरा बेस टोटली रेडी तो नहीं था, बट अच्छी खासी हमारी प्रोग्रेस हो गई थी। दूसरे दिन हमें रहने के लिए एक मकान भी मिल गया था। तो देखते देखते अगली सुबह भी हो गई थी और आज मुझे करना था थोड़ा सा माइन, क्योंकि माइनिंग से हमें मिलने वाला था आयरन और वुडन के टूल्स हमें काफी नहीं होने वाले थे। तो जो भी खाना मेरे पास था वो सब कुछ मैंने पका लिया और जो भी अनवांटेड हमारी इन्वेंटरी में था वो सब कुछ मैंने चेस्ट के अंदर रख दिया। अब कॉबलस्टोन भी मेरे पास आ गया था, तो मैंने स्टोन की पिकेक्स भी बना ली थी। और बाहर जाके मैंने थोड़ा और खाना इकट्ठा किया और आगे मैं स्टोन की तरफ जाते ही मुझे थोड़ा सा कोल दे गया था और इससे दो स्टैक हम टॉर्चेस इजीली बना सकते थे। और अब मेरे पास बहुत खाना भी था, सब कुछ था, टॉर्चेस भी थी, तो अब मैं रेडी था टोटली माइन करने के लिए। तो घर के नीचे ही मैंने माइन करना स्टार्ट कर दिया। मैं माइन करता गया, मैंने बाहर दिन भी नहीं देखा, रात भी नहीं देखी और मैं माइन करता ही चला गया। 40 लेवल के ऊपर आने के बाद मुझे पहला अपना आयरन मिल गया था और अब मुझे अच्छा लगने लगा, क्योंकि आयरन से हम अच्छे खासे टूल्स बना सकते थे। और मैं आगे माइन करता गया, टूल्स बनाने के लिए बहुत सारा आयरन लगने वाला था और मैं एक टेम्पररी आयरन का आर्मर भी बनाने वाला था। मेरी बहुत सारी पिकेक्स टूटती गई, मैं फिर से वापस बनाता गया। जो भी आयरन के टूल बन सकते थे वो बना लिए और पिकेक्स मैंने थोड़ी ज्यादा बना ली, क्योंकि हमें डायमंड खोजने के लिए जाना था। और ये पिकेक्स आयरन की बना के मैं फिर से माइनिंग पे चला गया और वहाँ पे दो दिन माइन करने के बाद मुझे दो स्टैक आयरन मिल गया। तो मेरे पास अच्छा खासा अब आयरन हो गया था, तो मैंने थोड़ा आयरन का आर्मर बना लिया, क्योंकि थोड़ा हमें प्रोटेक्शन भी चाहिए था। और अब मुझे जॉम्बी और स्केलेटन से डरने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा आर्मर आ चुका था, थोड़ी सी हिम्मत आ चुकी थी। तो अगले दिन का सूरज निकलते ही मैं थोड़ा आसपास का एरिया देखने के लिए चला गया, क्योंकि हमें एक चाहिए था विलेज और मुझे नहीं लग रहा था कि इस छोटे से एक आइलैंड पे हमें विलेज भी मिल सकता था। फिर भी मैंने देखना सही समझा और यहाँ पे मुझे ना ही विलेज मिला ना ही कोई स्ट्रक्चर मिला, सिर्फ मिला तो हमें खाना और बहुत सारा खाना। ये भी हमारे लिए अच्छा था, क्योंकि खाने की बहुत कमी हो रही थी और मेरे पास एक फार्म भी नहीं था। तो वहीं से मैं मेरे बेस वापस जा रहा था, तो मुझे रास्ते में एक ट्राइडेंट वाला ड्रोन दिख गया। तो मुझे लगा कि इसको एक बार मार के देख ही लेते हैं कि ट्राइडेंट मिल जाएगा तो मुझे अच्छा ही होने वाला था। मुझे लगा था आसानी से मैं उस ट्राइडेंट वाले ड्रोन को मार के अगर ट्राइडेंट मिल जाएगा तो लेके बाहर निकल जाऊंगा, बट मेरा अनुमान बहुत ही गलत निकला और मैं सिर्फ एक हार्ट पे चला गया था। और दिन बीतते चले जा रहे थे और मैं थोड़ा थोड़ा माइन करता था, फिर बेस में आ जाता था, फिर माइन करता था, और ऐसे करते करते बहुत सारे दिन बीत रहे थे। और अब मुझे लग रहा था मुझे नेदर में जाना चाहिए था, क्योंकि अब मुझे चाहिए थे एंडर पर्ल्स। तो फट से मैं बाहर निकला घर से और एक बकेट बना ली और बकेट के अंदर पानी लेके मैं फिर से माइनिंग के लिए चला गया। और अब मुझे आयरन नहीं ढूंढना था, मुझे अब ढूंढना था लावा। 2 hours later और आखिरकार मुझे लावा मिल गया था और मैंने थोड़ी सी भी देरी ना लगाते हुए उसके ऊपर पानी डाल दिया। तो मुझे अब दो चार डायमंड्स भी चाहिए थे, तो वहीं से मैं थोड़े साइड लेके
डायमंड ढूंढने के लिए माइन करने लगा और आगे मैं माइन करता गया और आगे जाने के बाद मुझे रेड स्टोन और लैपिस तो मिल गया और थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे 5 डायमंड तो मिल गए थे। फट से वापस जाके ऑब्सीडियन माइन कर लिया। तब तक बाहर आते आते रात हो गई थी तो भागता भागता मैं बेस के अंदर चला गया और सो गया। 2 hours later. अब मेरे पास बहुत सारा गोल्ड भी आ चुका था। एक स्टैक मेरे पास गोल्ड आ गया था और 60 डायमंड्स भी आ गए थे और लैपिस भी मिल गया था मुझे थोड़ा बहुत। और मेरे पास 60 डायमंड हो ही गए थे तो मुझे लगा कि नेदर में हम ज्यादा सेफ नहीं रह सकते आयरन के आर्मर के साथ, तो मुझे एक डायमंड का आर्मर चाहिए था और मुझे लगा कि इसके ऊपर थोड़ी सी एन्चेंटमेंट भी लगा देते हैं। तो मैं शुगर केन की खोज में बाहर निकल गया और मेरे बेस के थोड़ी ही आगे मुझे शुगर केन मिल भी गया, बट यहाँ पे बहुत ही थोड़ा शुगर केन मिला था मुझे। तो मैंने इससे फार्म करना स्टार्ट कर दिया वहीं पे और यहाँ पे शुगर केन बढ़ता रहा। मैं उस शुगर केन को तोड़ के कलेक्ट करके फिर से फार्म करते गया और फिर से वो उगते गया और यहाँ पे अच्छा खासा शुगर केन उग भी गया था। तो मैंने पूरा इसे कलेक्ट कर लिया तोड़ के और बेस की तरफ चल पड़ा और घर पे आके मैंने उस शुगर केन के पेपर्स बना लिए और उससे एक बुक बना ली और इस बुक से मैंने एन्चेंटिंग टेबल बना दिया। तो यहाँ पे मेरे पास अब एक एन्चेंटिंग टेबल भी आ गया था और अगली सुबह जैसी हुई मैं फट से उठ गया और मेरे पास जितने पेपर्स थे और जितना लेदर था उससे मैंने बहुत सारी बुक्स बना ली और यहाँ पे मैंने एक पूरा एन्चेंटिंग सेटअप बना लिया था। तो फट से मैंने लैपिस चेस्ट से निकाल लिया और मेरे डायमंड के आर्मर को मैं एन्चेंट करने लगा। यहाँ पे मेरे एक्स बहुत कम थी तो मुझे अच्छी खासी एन्चेंटमेंट तो नहीं मिल रही थी, बट प्रोटेक्शन 1 मुझे सभी आर्मर पे मिल रहा था इसलिए मैंने सब कुछ ले लिया, क्योंकि एक्सपी कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। और अब मैं पूरी तरीके से एन्चेंटेड था, मेरे टूल्स भी एन्चेंटेड थे, मेरा आर्मर भी एन्चेंटेड था और अब मैं पूरी तरीके से रेडी था नेदर के अंदर जाने के लिए। जैसे अगले दिन की सुबह हो गई तो मैंने जितने मेरे पास ऑब्सीडियन थे चेस्ट में रखे हुए सब ले लिए और पोर्टल बनाने के लिए मैं बेस से नीचे उतर गया। और जैसे मैं नीचे उतरा वहाँ पे मुझे कुत्ता दिख गया था और यहाँ पे मेरा एक दोस्त भी हो गया था अब। और जितना जल्दी हो सके मुझे नेदर में जाना था और वहाँ से एंडर पर्ल्स ट्रेड करके लाने थे, तो जल्दी से मैं नेदर पोर्टल के अंदर चला गया और यहाँ पे मेरा स्पॉन भी अच्छा खासा पिगलिन के एरिया में हो गया था और वहीं पे नीचे मुझे 2-4 पिगलिन जाते हुए दिख गए और इस पिगलिन को मैंने खड्डे के अंदर ट्रैप कर लिया और ऊपर से मैं गोल्ड फेंकता गया। यहाँ पे मुझे ट्रेडिंग से अच्छे खासे एंडर पर्ल और ब्लेज रॉड मिल गए थे, तो मैंने वहाँ पे फिर से अपने बेस वापस चला आया। तो अब यहाँ पे मेरे पास स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए जो चीजें लगने वाली थी वो चीजें तो मुझे मिल गई थी और अब मेरे पास खाना भी अच्छा खासा हो गया था और ड्रैगन को किल करने के लिए नॉर्मल एरोज तो काफी नहीं होने वाले थे, तो मुझे बनाने थे हार्मिंग वाले एरोज। तो जल्दी से मैंने सैंड इकट्ठा करी, उससे ग्लास बॉटल्स बनाई और एक आयरन से कॉल्ड्रन बना लिया और ब्लेज रॉड्स तो मेरे पास थी तो उससे मैंने एक ब्रूइंग स्टैंड भी बना लिया और उसके अंदर जो कुछ सामान लगने वाला था वो भी मेरे पास था, इसलिए मैंने एक हार्मिंग का पोशन बना लिया और उसको कॉल्ड्रन के अंदर रख के उसके ऊपर एरो मार के मैंने एरोज को भी हार्मिंग वाले एरोज बना दिए। और वो दिन अब आ गया था कि मैं अपना ये बेस छोड़ के ड्रैगन का घर ढूंढने में चला जाने वाला था। तो इस घर के अंदर मैंने बहुत सारे दिन बिताए थे तो ये छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने इसे छोड़ लिया और मेरे साथ जितने भी मेरे पास डायमंड थे वो ले लिए और एंडर पोल को एंडर आई में कन्वर्ट करके मैं सब कुछ इन्वेंटरी में भर के बेड्स भी और खाना जितना लग सकता था उतना ले लिया और वाटर बकेट लेके मैं निकल पड़ा अपनी जर्नी पे। और मैंने आई ऑफ एंडर फेंका और मुझे डायरेक्शन पता चलने लगी, वो करते करते मैं पूरे समुन्दर में आ गया। मुझे दिन पता नहीं चल रहे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था, लाइफ ऑफ पाई जैसी जिंदगी हो गई थी, बोट पे ही खाना बोट पे ही पीना हो गया था और अब मुझे यही बोट मेरा बेस लगने लगा था। तो दिन बीतते गए, मैं पोर्टल की तरफ बढ़ता गया और बढ़ता ही गया और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया वहाँ पे आगे मुझे एक आइलैंड दिखने लगा था। तो उस आइलैंड के ऊपर जाने के बाद मुझे वहाँ पे एक विलेज मिल गया था और अगली बार मैंने जैसे ही एंडर पर्ल फेंका वो डायरेक्टली जमीन के अंदर चला गया। तो मैंने वहाँ पे जरा नीचे जाके देखा तो ये पूरा गाँव समुन्दर के ऊपर बसा हुआ था, पूरे गाँव के नीचे पानी ही पानी भरा हुआ था। और फाइनली जिस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था वो स्ट्रॉन्ग होल्ड मुझे अब मिल गया था।